बेल लगाने हो गई है, खाली माल तहसीलने में, पैसा तहसीलदारी करने में बेल लगाम नहीं। वो जहाँ देखिए दरोगा को देखिए तो रोड पर देखिए, जहाँ देखिए डीएसपी को देखिए दरोगा पहुँचा रहा है, एसपी को देखिए दरोगा पहुँचा रहा है, तहसीलदारी करके वही पहुँचा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से विपक्ष की भूमिका में बैठी बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और महागठबंधन सरकार पर हमलावर होती नजर आती है। लगातार बिहार की पुलिस व्यवस्था पर, पुलिस प्रशासन पर कटाक्ष करते और तंज कसते नजर आती है। लेकिन अब तो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेता ही बिहार के पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। आपको बताएं कि जदयू के भागलपुर से विधायक गोपाल मंडल ने बिहार के पुलिस व्यवस्था पर उंगली उठाया है और उन्होंने कहा है कि बिहार में लगातार अपराध बढ़ते जा रहा है और जो पुलिस है वो मौन बैठी है, पुलिस तहसीलदार बन चुकी है, पुलिस माल खाने में और पैसे नोचने में नजर आ रही है। तो देखिए कि किस प्रकार जदयू के विधायक गोपाल मंडल अपने ही सरकार पर हमलावर हो रहे हैं और बिहार के पुलिस प्रशासन पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि बिहार की पुलिस जो व्यवस्था है वो लचर हो चुकी है, बिहार का पुलिस प्रशासन लचर हो चुका है, बिहार में जो है सुरक्षा नाम की चीज़ नहीं है और जो पुलिस एसपी डीएसपी है ये तो खुद माल दबोचने में और पैसा खाने में लगे हुए हैं। तो छोड़े जाते हैं आपको गोपाल मंडल की इस पूरे बात। तो निर्मम हत्या है, ये कमाने खाने वाला आदमी था, कमाने बंद करो गाड़ी का, ये कमाने खाने वाला आदमी था, अपना रैक पॉइंट पर रहता था, काम करता था, आने जाने के क्रम में दौ लगा के मार दिया पुलिस को। दोष यही कि हम कुमुदी का यादव का भाई है, पुलिस निष्क्रिय है। कुमुदी यादव ने कई बार डीएसपी को आवेदन दिया, एक्शन लीजिए। इसके लिए हम भी कह चुके हैं भाई इलाके में घूमता है और उसको तो भय है नहीं, फरारी है, वांटेड है, इसलिए इसको कहीं धरिए पकड़िए, नाप तोल भी देते हैं, नहीं ध्यान दिया। क्या लगता है पुलिस बेलगाम हो गई है क्या? बेलगाम नहीं हो गई है, खाली माल तहसीलने में, पैसा तहसीलदारी करने में बेलगाम नहीं। वो जहाँ देखिए दरोगा को देखिए तो रोड पर देखिए, जहाँ देखिए डीएसपी को देखिए दरोगा पहुँचा रहा है, एसपी को देखिए दरोगा पहुँचा रहा है, तहसीलदारी करके वहीं पहुँचा रहा है, कहाँ गिरा कहाँ मरा कोई पता, अभी जमीन वाले पॉइंट पर। अरे कौन सी घटनाएं हैं भाई, हमारा जमीन ही नहीं है, अभी गए 30-32 तो फोर्स फिर देखने के लिए, कौन बड़का घटना हो गया, इधर मर गया है, मार दिया, कोई देखने वाला कहीं, कोई पुलिस पुलिस अभी तक नहीं पहुंचा, जबकि पुलिस लाइन वहाँ में नाम भी दे दिया विधायक की, जब उससे FIR था, हमारे ऊपर तो FIR चलते रहता है, उससे हम नहीं डरते हैं, कोनो हम दोषी है क्या, उसका जमीन था, उन्होंने दीवार तोड़ दिया, हमारा कोनो जमीन है कि हम वहाँ चले गए, ऐसा कहीं कोनो बात नहीं है। लेकिन पुलिस महकमा जो है ना बेलगाम हो चुकी है, बिहार को चौपट का आदर चाहता है ये पुलिस के लोग, यही समझिए मुख्यमंत्री को बदनाम करने का कोशिश कर रहा है। मुख्यमंत्री हमारे उप मुख्यमंत्री अच्छे जोड़ी लगे हैं, लेकिन पुलिस महकमे के लोग एक्टिव नहीं है, सिर्फ तहसीलदारी पर है। आपकी भी नहीं सुन रहे? हमारा नहीं सुनेगा, वो तो सुनाइए न देंगे, ये बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं, आवाज तक तो कान तक जाएगी, उठाते हैं विधानसभा में सवाल।